हेलो दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं कंप्रेसर में क्या क्या खराब होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कंप्रेसर खराब होने पे क्या क्या इफेक्ट दिखाता है, बिहेवियर करता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर खराब होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सबके क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ये सबके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप ये देख सकते रहेंगे फर्स्ट में, अगर हमारा एसी कंप्रेसर अगर ख़राब रहेगा, कई बार होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, वाइब्रेशन करता है, स्टार्ट नहीं होता है, एम्पियर लो लेता है। इसी तरह से पूरा आगे देखते रहिए, बहुत से टिप्स वगैरह जानने को आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो और नए टेक्निक से नए लोग पास शेयर करिएगा। हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज़ बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा, तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। तो आप देख सकते रहेंगे कंप्रेसर हमारा चालू हो रहा है, हाई एम्पियर जा रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। ये भी एक फॉल्ट होता है कंप्रेसर में, कई बार देखने को मिलता है स्टार्ट होता है, एम्पियर ज़्यादा लेता है, तुरंत बंद हो जाता है। उसके बाद फॉल्ट एक आता है हमारा स्टार्ट होता है, जैसे सकते अभी ध्यान दीजिएगा एम्पियर मीटर हमारा स्टार्ट होगा, देखिए स्टार्ट हुआ टक्कर के तुरंत बंद हो जाता है, पूरा MCB LCB जो भी रहता है वो ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा एक ही बार में झटका से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद कंप्रेसर ब्रेकर वाला जो भी है ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। इस तरह से एक फॉल्ट आता है। उसके बाद हमारा एक कंप्रेसर स्टार्ट होता है, हाई एम्पियर जाता है, फिर से भी देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा स्पीड से ये स्टार्ट हुआ, एम्पियर देखिए हमारा फुल शो कर रहा है, 60 एम्पियर के आसपास में जा रहा है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए स्टार्ट हुआ, ज़्यादा एम्पियर लेता है, फिर ये ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। इसमें हमारा जो है आपको LCB MCB नहीं ट्रिप होगा, अंदर से कंप्रेसर ओवर एम्पियर जो रहता है, उधर बायमेटल रहता है, वहाँ से ट्रिप कर देता है, एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, फैन देख रहे चल रहा है, कंप्रेसर सिर्फ बंद हो गया। इस टाइप से फॉल्ट आता है। उसके बाद फॉल्ट हमारा आता है कंप्रेसर जो रहता है ग्राउंड हो जाता है, कई बार आता है हमारे कंप्रेसर में बाइंडिंग शॉर्ट हो गया, जल गया। अभी तो आपने देखा मैकेनिकल सिस्टम खराब रहेगा तो कंप्रेसर आवाज़ करेगा, हाई एम्पियर लेगा, स्टार्ट नहीं होगा, हम की आवाज़ आएगा, ये मैकेनिकल सिस्टम से प्रॉब्लम होता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग की तरफ से प्रॉब्लम होता है। अगर बाइंडिंग हमारा ग्राउंड हो गया है, अर्थ लीक हो गया है, जब हमारा कंप्रेसर चालू AC चालू करते ट्रिप हो जाता है, तो कंडीशन में होता क्या है, कंप्रेसर जो हमारा रहता है तीनों टर्मिनल आपस में तो बताता है, प्लस साथ साथ में बॉडी से ही बता रहे हैं। आप देख सकते रहेंगे हम पाइप से और टर्मिनल चेक कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है। इस तरह से नहीं बताना चाहिए, अगर इस तरह से बता रहा है तो हमारा कंप्रेसर खराब माना जाएगा। जैसे ही इसमें पावर आएगा, AC ऑन होगा, वैसे ही पूरा MCB LCB पूरा घर का लाइट जो भी रहता है ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। एग्जाम्पल ये देख सकते हैं रोटरी कंप्रेसर है, इसको हम तीनों टर्मिनल चेक करते हैं, देख सकते रहेंगे यहाँ पर तीनों टर्मिनल चेक कराएं, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। बट ये जो अभी हमारा नया कंप्रेसर है इसका हम कंटिन्यूटी जो है बॉडी से चेक करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं शो करेगा, ये सही माना जाएगा। बेसिकली जो है चेकिंग इसी तरह से रहता है, कंप्रेसर का हमारे तीनों आपस में कंटिन्यू शो करना चाहिए, रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, कई बार डायरेक्टली कंटिन्यूटी नहीं, इसमें ओम्स रहता है वो शो करना चाहिए। अब जब डिजिटल मीटर से या AC में आप चेक करेंगे तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और सबका हमारा दूसरा प्रैक्टिकली वीडियो बना हुआ है, तब देख सकते रहेंगे। यहाँ से हम बॉडी से अब लगा करके एक डायरेक्टली हम बॉडी पर चेक कर रहे हैं, बता रहा है, और वापस हम टर्मिनल से और एक बॉडी से चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बताता है, ये हमारा सही है। उसके बाद एक और फॉल्ट देखने को मिलता है, कंप्रेसर जो हमारा स्टार्ट होता है नॉर्मल एम्पियर लेता है, लेकिन धीरे 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 एम्पियर ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि इसमें अब ध्यान दीजिएगा अभी हमारा 9-10 एम्पियर ले रहा था, अभी 10 एम्पियर ले रहा है, एग्जाम्पल देख सकते रहेंगे, और एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये हमारा 105 एम्पियर तक जाता है। ध्यान दीजिएगा आपको मालूम चलेगा, हमने कहा था आपको ऑनलाइन काम जाने के लिए, बहुत से कस्टमर क्लाइंट हमें बुलाते हैं काम के लिए, हम दूर रहते हैं सभी के पास नहीं जा सकते रहेंगे, हमने आइडिया ही निकाला है, आप कोई सा भी एरिया में रहते हैं आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लोकल एड्रेस कमेंट में डाल दीजिए, जिससे आपके एरिया से कोई भी कस्टमर क्लाइंट अगर हमें बुलाएगा काम के लिए, आप कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर को दे देंगे या कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, जिससे आपको ऑनलाइन काम मिल सकता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए किस तरह से हमारा एम्पियर बढ़ रहा है, 10 एम्पियर था, अभी हमारा 15 एम्पियर के 13-12 एम्पियर हो रहा है, 15 एम्पियर के नियर में जा रहा है, और किस तरह से बढ़ता है आपको मालूम चलेगा। एक चीज़ और बता दें, अगर आप ऑनलाइन जो है क्लेम मीटर, डिजिटल मीटर, AC रिपेयरिंग के लिए कुछ भी टूल्स हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया AC संबंधित, अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप बाई कर सकते रहेंगे,
आपके लिए हेल्प के लिए कंपेयर करके सस्ता में हमने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से एक बार विजिट करिए, आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, आपको अच्छा जरूर लगेगा। आप देख सकते हो एम्पियर कितना बढ़ रहा है, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आप अभी यहाँ पर 12 एम्पियर चल रहा है, 12.7, 13, 15, 14 देख रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है 16, आगे पीछे हो रहा है, अभी देख 17 कितना एम्पियर जा रहा है, आप देख सकते रहेंगे 20, 21। अगर इस तरह से एम्पियर बढ़ ज़्यादा जा करके ये ट्रिप हो गया, ये हमारा टोटल 105 एम्पियर तक गया था, चाहिए तो यूज करके एक बार देख लीजिएगा। ये भी टाइप के फॉल्ट आते हैं, इसी मार चलता है थोड़ा टाइम, चलने के बाद एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है और जाकर के ओवर ट्रिप हो जाता है। एक और रीजन आता है हमारा कंप्रेसर जो चलता है पावर में जाता है लेकिन स्टार्ट ही नहीं लेता है, एम्पियर ही नहीं शो करता, जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल हमारा जो कंडेंसर फैन है ब्लोअर कंडेंसर फैन हो रहा है उसका एम्पियर शो कर रहा है, कंप्रेसर हमारे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये सब टाइप के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के फॉल्ट क्रिएट होते हैं, किसी में अगर हमारा कैपेसिटर खराब होता है, बाइंडिंग खराब होता है, मैकेनिकल सिस्टम खराब होता है, ये सबका रिपेयरिंग के लिए जानने के लिए हमारा दूसरा वीडियो वन बाय वन बना हुआ है, किस तरह से रिपेयर करते हैं, किस तरह से ठीक करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहता है, किस तरह से इफेक्ट देखने को मिलता है। ये वीडियो में सिर्फ हमने बताया आपको जो किस टाइप के फॉल्ट क्रिएट होते हैं कंप्रेसर, किस टाइप के एसी में फॉल्ट आते हैं, बहुत से लोग को हमसे पूछ रहे थे एसी में क्या क्या फॉल्ट आता है, कंप्रेसर को क्या क्या फॉल्ट आते हैं, जैसे बहुत से नए टेक्निशियन रहते हैं उनको डाउट रहता है, उन लोग को नहीं मालूम रहता है तो कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कैसे अलर्ट रहेंगे जब उनको फॉल्ट नहीं मालूम रहता है, तो कई बार बहुत से लोग रहते हैं डायरेक्टली जाकर फॉल्ट फेस करते हैं, उनको नहीं मालूम रहता है, सोचते हो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एसी में, हाई एम्पियर ले रहा है, ट्रिप हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, क्या क्या, बहुत से नए लोगों को ज़्यादातर इफेक्ट होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे अगर आपको कुछ जानकारी मिल रहा है वीडियो में, अच्छा लगा है तो वीडियो नए टेंशन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं नए टेक्निशियन उन लोग पास वीडियो शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा कहीं पर भी आप शेयर करें, आप भी नए टेक्निशियन नए लोग का हेल्प जरूर करें। एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर आप हम लोग को एसी टेक्निशियन को बहुत से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि विंटर टाइम में ठंडे के टाइम में ऑफ सीजन में हमेशा काम नहीं मिलता है, जिससे हम लोग को बहुत बार जो है पैसा कमाने के बारे में प्रॉब्लम होते रहता है, तो आप हमसे अगर पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, अपने मोबाइल के द्वारा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से थ्रू बिना रिस्क के, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते रहेंगे, हमारे पास एक प्लान है, हम आपस में बैठ करके डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, रिस्क लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पैसा अगर ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर से ही कमाना चाहते हैं, ठंडी के टाइम हो या घर में कोई सा भी टाइम हो, जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप कमेंट में बिजनेस कर लिखिए, बिजनेस करना है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर जो हमें दे दीजिए कमेंट में, आप बिजनेस लिखेंगे तो हमें मालूम चलेगा हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली करके कुछ डिस्कस करेंगे आगे अपने फ्यूचर में पैसा अर्न करने के लिए। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसको ऑन जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।